हेलो फ्रेंड, माय नेम इज भूपेंद्र सिंह ठाकुर। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की लास्ट मेथड लेके आए हैं, दैट्स कॉल्ड द रिड्यूसिंग मेथड। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन लिखी हुई है, इस दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है किसके थ्रू, रिड्यूसिंग मेथड के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं, यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दी है ये किस फॉर्म में दी है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर के फॉर्म में दी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हमने सॉल्व किया होगा इससे पहले, जैसे आपने देखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 5x प्लस 4y इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। मीन्स दिस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा इस फॉर्म में, और उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए इस इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर वन, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। सबसे पहले हम इस मेथड में क्या करते हैं, ये चीज ध्यान रखो, वन अपॉन एक्स को हम मानते हैं यू एंड वन अपॉन वाई को हम मानते हैं वी। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन वन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन वन क्या हो जाएगी हमारे पास, u अपॉन टू प्लस v अपॉन थ्री इक्वल टू टू। टू और थ्री का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा आपके पास 6, टू थ्री जा 6, ये हो जाएगा आपके पास 3u प्लस 2v इक्वल टू टू। यहां पे हम वन लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 2v इक्वल टू 12। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3, जो किससे आपने निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 से आपने इसको फाइंड आउट करी है। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को हम मेंशन करते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास u अपॉन 3 प्लस v अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास कितना, एलसीएम आ जाएगा इसका 6, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपके पास 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपके पास इक्वेशन बन गई 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये इक्वेशन बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 4th। अब आप यहां चेक करेंगे कि हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसको रिड्यूस करके जो 3 इक्वेशन बनी है इस फॉर्म में लेके आया, इक्वेशन नंबर 2 को हमने किस फॉर्म में लेके आया, इस फॉर्म में लेके आया। अब आप देखिए ये जो दो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में बन गई है, इस फॉर्म में बन गई है। अब आप इसको, हमने जो इससे पहले तीन मेथड पढ़ी हुई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये दोनों इक्वेशन को यहां पे कॉपी करते हैं, ये इक्वेशन है हमारे पास 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, और यहां पर है 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ठीक है, मैंने आपको बताया इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन, या तो एलिमिनेशन, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो यहां पे हम इसका मल्टीप्लाई, जैसे कि हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस में मैंने पढ़ाया है, आप उसको लेक्चर को देख सकते हैं, वीडियो मैंने बनाया हुआ है एलिमिनेशन मेथड के, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इक्वेशन से 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से करेंगे, तो ये जाएगा 6u प्लस 4v इक्वल टू 24। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6u प्लस 9v इक्वल टू 39, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, यहां से यहां ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 9 में से आपका 4 गया, कितना आ गया आपका 9 में से 4 गया आपका कितना हो जाएगा, ये 5v। यहां पे आपका आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये 39 माइनस 24, 39 माइनस 24 कितना हो जाएगा आपके पास,
माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 अपॉन 5, इसको क्रॉस करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, v की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसमें ये जो v की वैल्यू है आप इसको इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 4 में भी पुट कर सकते हैं, किसी में पुट कर सकते हैं। हम इक्वेशन किस में पुट करते हैं, 3 में पुट करते हैं v की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। किस में पुट किया हमने, इक्वेशन नंबर 3 में, या इसको एक बार देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3u प्लस 6 इक्वल टू 12, 3 इक्वल टू 12 माइनस 6, 3u इक्वल टू 6, u इक्वल टू 3 अपॉन 6, इसको कैंसिल करेंगे, u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई आपके पास 2। यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, v की वैल्यू 3 और u की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमने एज्यूम क्या किया था, 1 अपॉन x को क्या एज्यूम किया था, u एज्यूम किया था, इसको u बना लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, और 1 अपॉन y को हमने क्या एज्यूम किया था, v एज्यूम किया था। इसमें हम चेक करते हैं, अब हम यहां लिखते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं, 1 अपॉन x क्या एज्यूम किया था हमने, 1 अपॉन x इक्वल टू u, u की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2 आई है, इसको हम पुट करते हैं यहां पर, 1 अपॉन x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालते हैं, 1 अपॉन y इक्वल टू कितना है v, v की वैल्यू कितनी आई है 3, इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन y इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ये हमारी रिड्यूसिंग मेथड का क्वेश्चन, ये हमारे पास दो इक्वेशन थी, सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को क्या किया, रिड्यूस करके इससे न्यू दो इक्वेशन बनाए। अब ये जो दो इक्वेशन बनती है ये लीनियर फॉर्म में आ गई, अब आप इसको किसी भी मेथड से, जो आपने तीन मेथड पढ़ी हुई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप v और u की वैल्यू निकालेंगे, u और v की वैल्यू, इसको यहां रिपोर्ट करेंगे, तो यहां से आपके x और y दो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी।